हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग और बहुत मोटिवेटिंग होने वाली है। इस वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने आया हूँ प्रदीप जी से। नमस्कार दोस्तों। प्रदीप जी एक फ्लिपकार्ट के सेलर हैं और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े सेलर हैं। लास्ट ईयर इनका जो टर्नओवर रहा है फ्लिपकार्ट पे 1.25 करोड़ से ज्यादा का रहा है और 18 लाख से ज्यादा का उसमें इनको प्रॉफिट हुआ है। देखो, टर्नओवर का मतलब सेल, कितने की सेल हुई है और प्रॉफिट 18 लाख से ज्यादा का हुआ है। तो थोड़ा सा हम प्रदीप जी से ही डिस्कस करेंगे, इनकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और आज की डेट में ये कहां पहुंच गए हैं। तो प्रदीप जी, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताओ कि पहले तो अपने बारे में बताओ कि आप कहां से हो और आपकी एजुकेशन क्या है। दोस्तों, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैंने डिप्लोमा लिया हुआ है। तो मेरा जो अगर बात करते हैं तो मैंने 12 साल पर्टिकुलर सिर्फ हॉस्पिटल में मैं काम करता था। तो लास्ट जो मेरी जर्नी थी, मैं गुड़गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सुपरवाइजर था। अच्छी सैलरी थी, हैंडसम सैलरी थी, ऐसा नहीं था कि सैलरी बहुत बेकार थी मेरी, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि जॉब का अपना एक प्रेशर होता था। एक मन में शुरू से क्यूरियोसिटी रही कि यार अपना काम करें। मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया इसके लिए। मैंने फिर ये तो काम करते थे, डर लगता था कैसे काम करें, फिर ऐसे ही सर्च करते रहते थे, बैठे बैठे राहुल जी की वीडियो लगती थी तो देखते थे कि यार वीडियो है, लोग करते हैं काम, हम भी कर सकते हैं काम। थोड़े से अप डाउन हुए, सब कुछ हुआ, मैंने काम स्टार्ट किया राहुल जी की वीडियो देख देख के कैसे कैसे काम होता है। एक एक बारीक चीज राहुल जी ने बताया कि फ्लिपकार्ट पे कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ आप बच सकते हो, फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज के बारे में, इमेज से लेकर हर चीज राहुल जी से की मैंने वीडियो से सीखी। काम स्टार्ट किया, नहीं पता था, नुकसान भी होने लगा। राहुल जी को मैंने अप्रोच किया, इनका नेचर इतना फ्रेंडली था कि मैं जब इनसे पूछा तो मैं उस टाइम नहीं जानता था, मैंने इनको बोला कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है ऐसे ऐसे करके। इन्होंने मेरे को गाइड किया। गाइड करने के बाद कोविड जब खत्म हुआ, सेकंड वेव जब खत्म हुई थी, जिस टाइम पूरा इंडिया में पूरा मतलब ड्रास्टिक सिचुएशन बना हुआ था, उसके बाद मैंने फुल क्लास राउट चालू किया। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे ऑर्डर्स काफी अच्छे थे, स्टार्ट मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट किया था। आज की डेट में मेरे पास 5 मेरे स्टाफ है, जिसमें से 3 मेरे पैकिंग के हैं, 2 मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो सिर्फ ये डेडिकेटेड काम ही करते मेरे लिए। इसलिए ग्रेट। अच्छा, एक बात बताओ कि आपको शुरुआत में सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा या शुरुआत में आपको लॉस भी हुए हैं? राहुल जी, स्टार्टिंग में तो देखो लॉस हुए थे, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये वेट कैसे काउंट होता है। ठीक है, मेरे को पैकिंग का कुछ आइडिया नहीं था। ओके, तो उसके बाद जब मैंने आपसे टच किया तो आपने मेरे को बताया कि वॉल्यूमेट्रिक वेट को ऐसे काउंट करो, डेड वेट को ऐसे काउंट करो, जो हाईएस्ट होगा वो फॉर्मूला आपने मेरे को बताया। उसके बाद फिर मैंने अपने पैकिंग से लेके हर चीज में इन सब छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखा। कि वॉल्यूमेट्रिक, अगर मेरा पैकेट छोटा है तो वॉल्यूमेट्रिक बढ़ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ाया जाए। मैक्सिमम सेलर्स ये नहीं करते, लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो हमारे साथ कोई पार्शियलिटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो डेडिकेटेड उनका है। अगर आप उस पॉलिसी को फॉलो करोगे, आपको कोई वो वॉयलेंस नहीं करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करता फ्लिपकार्ट। तो मैंने हर वो चीज का ध्यान रखा जिससे चार्जेस कटते हैं। रिपोर्ट्स को मैंने अंडरस्टैंड किया, रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, कहां कहां चार्जेस करा, उसको इम्प्रूव किया आपसे पूछ पूछ के। ये था। अच्छा, एक चीज और बताओ कि आपने फ्लिपकार्ट को ही क्यों चुना? फ्लिपकार्ट को मैंने क्यों चुना, क्योंकि मेरे को देखा जाए तो मेरे को बड़ा इजी लगा प्लेटफॉर्म काम करने के लिए। पॉलिसीज बड़ी सेलर फ्रेंडली पॉलिसीज थी। काम करना आसान लगा, थोड़ा डर भी था मार्केट में, तो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस ना जाके सिर्फ मैंने फ्लिपकार्ट को ही चूज किया था करना। तो अच्छा, आपकी जो पहले जॉब थी, आपकी सैलरी 40,000 थी, आपने छोड़ा? जी बिल्कुल। ठीक है, और 40,000 की जॉब छोड़ते हुए डर नहीं लगा आपको, एकदम आप ऐसे जॉब छोड़ दोगे? देखो, डर तो बहुत लगा था मेरे को कि 40,000 की नौकरी, क्योंकि एक वो था ना, 1 तारीख को आसपास है वो, बस मैं 1 तारीख आया नहीं, पैसे मंथ के लास्ट डे पे पैसा आपके अकाउंट में था, एक डर था बिल्कुल। तो उसमें मेरे छोटे भाई ने मेरा बड़ी हेल्प करी। जब हमने ऐसा पार्ट टाइम कर रहे थे कोविड से पहले, तो उसने बोला कि भैया 40,000 कमा रहे हो ऑलरेडी, इतना तो हम उसमें भी कमाई ले रहे हैं इससे ज्यादा, एक काम करते उसको फुल फ्लैश करके देखते हैं। फिर उसके बाद हमने फुल फ्लैश फ्लिपकार्ट को चूज किया सबसे पहला प्लेटफॉर्म अपना। कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करें तो नुकसान हो तो ज्यादा हो जाएगा। बट जब मैं फ्लिपकार्ट पे काम किया चालू हुआ, उसके बाद मैं ब्रॉन्ज से जब मैं गोल्ड बना, उसके बाद जब फ्लिपकार्ट के मेरे को जो अकाउंट मैनेजर बने, उन लोगों ने मेरे को बड़ा बिजनेस में सपोर्ट किया। उन लोगों ने मेरे को नए नए प्रोडक्ट्स लाने को प्रोत्साहित किया कि ये वर्टिकल में ये प्रोडक्ट लाओ, इस ब्रांड टैग पे, इस मतलब इस रेट के ऊपर इतना मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो
तो फ्लिपकार्ट के जो अकाउंट में तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरे को, प्रमोशन कोड देना ईच एंड एवरीथिंग वो मेरे को बताते थे, गाइड करते थे। मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको बहुत हेल्प मिली? हाँ, फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे को बहुत हेल्प मिली। आज की डेट में मैं जो भी हूँ ये सब फ्लिपकार्ट का ही मेरे पास सबसे ज्यादा काम है, तो मैं फ्लिपकार्ट में ही पसंद करता हूँ। और मैं और लोगों भी कहता हूँ कि अगर आप नए हो, अगर आपने जर्नी स्टार्ट करना है तो फ्लिपकार्ट से ही स्टार्ट करो। बिल्कुल, बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है और बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। अच्छा एक चीज और बताओ, आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आज की डेट में कौन है? बहुत से लोग ये जानने को इच्छुक होंगे कि आप ऐसा क्या बेच रहे हो। मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था तो मैं, अगर मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा बट हाँ मैं उस वर्टिकल को बताता हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट पे अपना काम स्टार्ट किया था गैग टॉयज से। अच्छा, गैग टॉयज आप कह सकते हो उनको, प्रैंक टॉयज हम कह सकते हैं। तो मैंने प्रैंक टॉयज से स्टार्ट किया था काम। ओके, तो उस टाइम शायद मैं अकेला ही था बेचने वाला, आज के डेट में उस वर्टिकल में बहुत लोग आ गए, बहुत कॉम्पिटिशन हो गया। बट हाँ, मैंने अपनी क्वालिटी से आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पहले भी मेरी वही क्वालिटी थी, आज भी मेरी वही क्वालिटी है। क्वालिटी के साथ तो कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दोगे आपको माल थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी काम रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। और अच्छा, कुछ सैंपल्स आप दिखा सकते हो अपने कुछ प्रोडक्ट्स के? अगर बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़े से रखे हुए, ये इस तरह के कुछ गैग टॉयज होते हैं मेरे पास। ओके, ये गैग टॉयज हैं, इसमें वर्टिकल्स में हम लोग काम करते हैं। ये गैग टॉयज हैं, ये नकली नोट है, ये नकली नोट है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये इलीगल प्रैक्टिस होते हैं, प्लीज इसको मार्केट में मत चलाना। ये हम लोग जो इसको सेल करते हैं ये जस्ट फॉर द फन के यूज करते हैं। आप अपने बच्चे को इसको सिखा सकते हैं कि मनी हैंडलिंग कैसे होती है। बिल्कुल, इसलिए तो प्लीज इसको कोई इस्तेमाल मत करना। इट्स अ डमी चूरन, नॉट गैग टॉय। मैंने अब इस इंडस्ट्री में मैं जो आया था, इस माल को लेके मैं सबसे पहला आया था, सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा यही था। ओके, और आज की डेट में ये मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? इसके अलावा अगर आप बात करें तो मेरे पास स्टेशनरी का सबसे ज्यादा है। स्टेशनरी में, ठीक है, स्टेशनरी में सबसे ज्यादा करता हूँ इसीलिए। आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो BTS का चल रहा है, तो सबसे ज्यादा BTS का मेरे पास ही है आज की डेट में। BTS लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या है BTS। It's a कोरियन बैंड। सो हम लोगों को भी आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज है, बट जब आप लोग लेके आए मार्केट में तो मेरे को नहीं पता BTS होता है। BTS एक कोरियन बैंड है, तो ये उसकी टी शर्ट्स सेल करते हैं, ठीक है। आज की डेट में BTS पे मेरे पास टी शर्ट्स, मग्स, कस्टमाइज गिफ्ट प्रोडक्ट, स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग मैं BTS पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास आज की डेट में अगर मेरे जितने भी ऑर्डर है 75% ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मेरे BTS से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो ये सर्चिंग करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है। अच्छा, BBD जो फ्लिपकार्ट की सेल आती है, बिग बिलियन डे सेल, ठीक है ना, उसका कैसा रेस्पॉन्स रहा आपका? बिग बिलियन डे का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। तो देखो बिग बिलियन डे में क्या होता है, आप जितना काम करते हो उतना आप दो बिग बिलियन डे में पूरी ईयरली के बराबर काम कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। जब बिग बिलियन डे आता है तो हम लोग अगस्त से ही स्टार्टिंग हो जाते हैं अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए, स्टॉकिंग करने के लिए, हर चीज के लिए। तो जो मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मैं सबसे ज्यादा उन्हीं पे फोकस करता हूँ, उनके सबसे ज्यादा स्टॉक बनाता हूँ। सो ये लगा लीजिए, अगर पूरे साल में 5,000 यूनिट एक अपने बेस्ट प्रोडक्ट गैग टॉय के बेचता हूँ तो बिग बिलियन डे में उसका ऑलमोस्ट 70% मेरा उन 5-6 दिन में बिग बिलियन डे में निकल जाता है। ओके, अच्छा क्या नाम है, कुछ लोग जो है ऑनलाइन आने से डरते हैं, बोलते हैं कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा हमें कहीं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखो नुकसान, अगर आप फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज के बारे में बिल्कुल अवेयर हो, हर एक छोटी छोटी चीज को पहले अगर आप ट्रेन कर आप सीख लेते हो उसके बारे में, तो अब नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप ब्लाइंडली किसी की बात पे जाके कहो करोगे काम करोगे तो नुकसान होना लाजमी है। बिल्कुल, देखो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो ब्लाइंडली तो कभी नहीं करना चाहिए, पहले नॉलेज लो, जो भी पॉलिसीज है फ्लिपकार्ट की उसके बारे में पढ़ो, ठीक है ना, बिल्कुल, और उसके बाद आप काम शुरू करो, ठीक है। अच्छा क्या नाम है, अपने फ्यूचर को फ्लिपकार्ट में आप कैसा देखते हो? फ्यूचर में अभी मेरे को तो यही है कि अभी मैंने अपना हॉस्पिटल स्विच करके मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आया हूँ। अच्छा, सो आज की डेट में मैं फ्लिपकार्ट को क्विट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा फ्लिपकार्ट के साथ। अभी बहुत प्रमोशंस आ रहे हैं, करंट में जो मेरी अकाउंट मैनेजर है वो मेरे को बड़ा सपोर्ट कर रही है, वो हर मेरे को एक वर्टिकल में एक एक प्रोडक्ट मेरे को बताती है कि आप ये प्रोडक्ट लेके आओ मेरे लिए, हम लोग इस तरह करेंगे। वो मेरे को कैंपिंग बताती है, रन बताते हैं, हर चीज हम लोग करते हैं। वो जैसे जैसे बोलते हैं मैं कर रहा हूँ और मेरे को आउटपुट मिल भी रहा है मेरे अकाउंट मैनेजर से। इसलिए देखो जिसको लॉस होगा वो फ्लिपकार्ट के बारे में 10 लोग बुराई भी करेंगे।
हर चीज के को हेटर्स तो हर जगह है, ठीक है ना। बट हाँ, मेरे को नुकसान नहीं हो रहा, मैं कहूंगा मैं फ्लिपकार्ट की जो भी हूँ, मैं आज फ्लिपकार्ट की वजह से इतने ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं, 5 लोगों की मैं मैन पावर हूँ, मैं सैलरी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ उनके पास। अच्छा, आपकी टीम कितनी बड़ी है? मेरे पास 5 लोग हैं टीम में पैकिंग के लिए, और 2 मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। बाकी अगर कुछ जरूरत पड़ती है, ऑर्डर्स मेरे पास ज्यादा आते हैं, तो उस कंडीशन में मेरी वाइफ भी मेरे साथ काम करते हैं, मेरे फादर भी मेरे साथ काम करते हैं। तो अभी क्या नाम है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने हैं पर डे? अभी तो थोड़ा सा अभी सेल्स के बाद थोड़ा डाउन है, पर अगर बिग बिलियन डे की बात करो तो मेरा 800-850-900 ऑर्डर पर डे रहा था। 800-850-900 ऑर्डर पर डे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रिटर्न्स रेशियो क्या है आपका? रिटर्न्स मेरा अगर आप माने तो आई थिंक कस्टमर रिटर्न मेरा होगा 3-3.5% के आसपास बस, और क्वेरी रिटर्न भी मेरा 15-16% है। बट हाँ, अगर वॉल्यूम ऑफ नंबर देखो, क्वेरी रिटर्न के ना पीछे बहुत चीजें होती हैं। हो सकता है कोई हम लोग पैकिंग में गलत किया, बारकोड स्कैन नहीं हो पाया, तो मैं फ्लिपकार्ट को ब्लेम नहीं करूंगा कि फ्लिपकार्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। तो अगर आप ऑनलाइन सेल में आप काम करने आओगे, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको कस्टमर रिटर्न और क्वेरी रिटर्न ये इस बिजनेस का एक पार्ट है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये रिटर्न हटा के अपना प्रॉफिट आप ऐड करके सेल कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो लोग फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनको एडवाइस क्या दोगे? देखो यार, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को, आप फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ रहे हो, हाँ। अगर आप एक न्यू कॉमर्स इंडस्ट्री में आप आना चाहते हो, तो फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज बहुत रिलायबल है आपके लिए, अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसीज इनकी होती है। आपको ऐसा नहीं है, आपके पास अगर कोई गलती कर तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। मैं ओवरऑल कहूँ तो फ्लिपकार्ट सेलर आपका सेलर फ्रेंडली पॉलिसीज बहुत ज्यादा बनाता है इसलिए। तो दोस्तों, ये थे प्रदीप जी, जिन्होंने जो पारस हॉस्पिटल में पहले काम करते थे, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है इनका सिर्फ फ्लिपकार्ट से जी, और पर डे के बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स ये ले रहे हैं, ठीक है। गोल्ड की कैटेगरी में थे ये, अभी कुछ थोड़े से क्या नाम है रीजंस की वजह से जस्ट एक क्या नाम है पैरामीटर की वजह से सिल्वर में आ गए हैं, बट ऑर्डर्स पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, दोबारा गोल्ड और प्लैटिनम में ये आ जाएंगे। तो प्रदीप जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रोजी। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो प्रदीप जी के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।